हेलो गाइस, दिस इज भूषण गायकवाड़। अगेन आप सभी का स्वागत है फिर एक बार इस नए वीडियो लेक्चर में। और दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं ह्यूमन ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में कि किस तरीके से एंटीजन एंटीबॉडी के बेसिस पे हमारा ब्लड ग्रुप डिसाइड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में मेनली डिस्कस करने वाले हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मेनली द एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। ठीक है, तो बेसिकली एबीओ ब्लड ग्रुप को सबसे पहले डिस्कवर किया था कार्ल लैंडस्टीनर नाम के साइंटिस्ट ने इन 1900। ठीक है, तो 19वें दशक में सबसे पहले बार यहां पे कार्ल लैंडस्टीनर नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने तीन टाइप के ब्लड ग्रुप को खोज निकाला, दैट इज ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप और ओ ब्लड ग्रुप। ठीक है, लेकिन आज के टाइम हमको पता है चार टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं, बेसिकली ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप और ए बी ब्लड ग्रुप। ठीक है, तो चार टाइप के ह्यूमन ब्लड ग्रुप होते हैं जिसमें से तीन ब्लड ग्रुप को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट थे कार्ल लैंडस्टीनर। ठीक है, फिर आगे इन्हीं के दो स्टूडेंट्स ने, दैट इज डिकास्टेलो एंड स्टर्ली। ठीक है, डिकास्टेलो एंड स्टर्ली ने आगे ए बी ब्लड ग्रुप भी खोज के निकाला। ठीक है, लेकिन इसके लिए नोबल प्राइज दिया गया लैंडस्टीनर को, क्योंकि लैंडस्टीनर ने ही ये स्टडी स्टार्ट की थी, यानी ये जो डिकास्टेलो और स्टर्ली के जो टीचर थे इन्होंने ही ये स्टडी स्टार्ट की थी। इन्होंने ए बी ओ ब्लड ग्रुप ढूंढ के निकाला, तभी उनके नक्शे कदम पे चल के आगे स्टर्ली और डिकास्टेलो ने भी ए बी ब्लड ग्रुप ढूंढ के निकाला। तो बेसिकली स्टडी की शुरुआत करने वाले और सबसे पहले ए बी ओ ब्लड ग्रुप ढूंढने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे लैंडस्टीनर, जिसके वजह से लैंडस्टीनर को नोबल प्राइज अवार्ड किया गया इसके लिए। ठीक है, इसके अलावा हम बोलते हैं यहाँ पे ब्लड ग्रुप अगर किसी का भी ए ब्लड ग्रुप है, बी ब्लड ग्रुप है या ओ ब्लड ग्रुप है तो वो एंटीजन्स के बेसिस पे होता है। हमारे बॉडी में ब्लड में सबसे मेन, सबसे इंपॉर्टेंट सेल अगर कोई होते हैं तो वो होते हैं आरबीसी। और आरबीसी ये जो सेल है, इफ दिस इज अ आरबीसी, और आरबीसी के ऊपर जो एंटीजन होगा उसके बेसिस पे वो ब्लड ग्रुप जो है वो डिसाइड होता है। अगर आरबीसी के ऊपर ए एंटीजन होता है, अगर आरबीसी के ऊपर ए एंटीजन होता है तो ऐसे में ब्लड ग्रुप सिंपल सी बात है ए ब्लड ग्रुप होगा पर्सन का। ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? ए ब्लड ग्रुप होगा। वहीं पे अगर आरबीसी के ऊपर बी एंटीजन है, आरबीसी के ऊपर बी एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप जो है वो बी होगा। ठीक है, आरबीसी के ऊपर अगर दोनों ही एंटीजन है, ए एंटीजन और बी एंटीजन, ए एंटीजन एंड बी एंटीजन, तो ऐसे में ये पर्सन का ब्लड ग्रुप जो है वो ए बी होगा, क्योंकि दोनों ही एंटीजन है तो पर्सन का ब्लड ग्रुप होता है ए बी। अगर आरबीसी के ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं है, नो एंटीजन, खाली आरबीसी है, ना ए एंटीजन है ना बी एंटीजन है, तो ऐसे में ब्लड ग्रुप ओ होगा। तो ये चार टाइप के ब्लड ग्रुप है जिसमें से ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप और ओ ब्लड ग्रुप को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट थे, दैट इज लैंडस्टीनर। और ए बी ब्लड ग्रुप को डिस्कवर किया था डिकास्टेलो एंड स्टर्ली ने। ठीक है, डिकास्टेलो एंड स्टर्ली ने। ठीक है, तो ये बेसिकली चार टाइप के ब्लड ग्रुप हमको देखने को मिलते हैं ह्यूमंस में ऑन द बेसिस ऑफ एंटीजन्स प्रेजेंट ऑन द आरबीसी। इनके अलावा भी काफी एंटीजन आरबीसी पे प्रेजेंट होते हैं। एक आरएच नाम का भी एंटीजन जो है वो प्रेजेंट होता है आरबीसी पे। ठीक है, आरएच नाम का एंटीजन, तो अगर आरएच नाम का एंटीजन ये प्रेजेंट होगा तो इसको, इस ब्लड ग्रुप को पॉजिटिव बोलेंगे, और ये एंटीजन एब्सेंट होगा तो नेगेटिव बोलेंगे। ठीक है, यहां पे अगर आरएच एंटीजन है तो पॉजिटिव बोलेंगे, ठीक है, और आरएच एंटीजन नहीं है तो नेगेटिव बोलेंगे। सिंपल सी बात है। तो अगर मेरा ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, इफ माय ब्लड ग्रुप इज ए पॉजिटिव, तो इसका मतलब मेरे बॉडी में जो ब्लड सेल है आरबीसी उसके ऊपर ए एंटीजन है और साथ ही में आरएच पॉजिटिव है, मतलब पॉजिटिव यहां पे आरएच का एंटीजन भी प्रेजेंट है। ठीक है, अगर मेरा ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव होता तो ए एंटीजन होता, ठीक है, और आरएच एंटीजन यहां पे एब्सेंट होता, दैट इज आरएच एंटीजन एब्सेंट होता तो ए नेगेटिव हो जाता ना। सिंपल सी बात है, नेगेटिव मतलब एब्सेंस ऑफ आरएच एंटीजन। ठीक है, तो वो आगे डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। थ्योरी हम डिस्कस करते हैं, सबसे पहले समझ जाते हैं थ्योरी को। ए बी ओ ब्लड ग्रुप सबसे पहले डिस्कवर किया था, दैट इज कार्ल लैंडस्टीनर ने इन 1900। लेटर ऑन द ब्लड ग्रुप ए बी वॉज डिस्कवर्ड बाई लैंडस्टीनर स्टूडेंट डिकास्टेलो एंड स्टर्ली। ठीक है, लैंडस्टीनर वॉज अवार्डेड द नोबल प्राइज फॉर हिज डिस्कवरी ह्यूमन ब्लड ग्रुप। ठीक है, तो लैंडस्टीनर को नोबल प्राइज अवार्ड किया गया। टू एंटीजेंस और अग्लूटिनोजेंस आर ऑन द सर्फेस ऑफ ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स एंड नेम्ड एज एंटीजन ए एंड एंटीजन बी। तो दो एंटीजन आरबीसी पे होते हैं। एंटीजन क्यों बोला है इसको? एंटीजन हमने बोला था फॉरेन पार्टिकल होता है जो हमारे बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स स्टिम्युलेट करता है। तो हमारे बॉडी में आरबीसी पे जो ए एंटीजन है, अगर वो आरबीसी का ए एंटीजन किसी दूसरे बॉडी में हम डालते हैं, ठीक है, मान लो किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप बी है, एक पर्सन का ब्लड ग्रुप बी है, इधर लिखते हैं
एक पर्सन का ब्लड ग्रुप बी है, और ऐसे पर्सन में हम ए ब्लड ग्रुप अगर डालते हैं, मतलब ये एंटीजन, ए एंटीजन इसके बॉडी में जाएगा, तो इसकी बॉडी के लिए ए एंटीजन नया होगा, न्यू होगा। तो ए एंटीजन के खिलाफ इसकी बॉडी, बी ब्लड ग्रुप वाले की बॉडी क्या सिक्रीट करेगी? एंटीबॉडी। तो इसीलिए इनको एंटीजन बोला जाता है। ठीक है, मान लो मेरा ब्लड ग्रुप ए है, तुम जो वीडियो देख रहे हो तुम्हारा ब्लड ग्रुप बी है, ठीक है, मैंने अपना ब्लड ग्रुप तुम्हारे बॉडी में डाल दिया, तुम्हारे बॉडी में ए ब्लड ग्रुप तो न्यू है, ए एंटीजन कभी तुम्हारे बॉडी ने नहीं देखा, तो तुम्हारी बॉडी क्या सिक्रीट करेगी? एंटीबॉडी सिक्रीट करेगी। इसी वजह से इसको एंटीजन बोला गया है। ठीक है, हमारे बॉडी में ये ए एंटीजन है, लेकिन हमारे बॉडी में इससे इम्यून रिस्पॉन्स नहीं स्टिमुलेट हो रहा है। ठीक है, मेरे बॉडी के लिए ये एज अ सेल्फ पार्ट है। हमारा इम्यून सिस्टम चीजों को दो कैटेगरी में डिवाइड करता है, सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। ठीक है, तो अगर मेरे बॉडी ए एंटीजन के लिए, हमारी मतलब मेरी बॉडी में पहले से ही ए एंटीजन है, तो मेरी बॉडी का वो सेल्फ पार्ट है, मेरी बॉडी उसके लिए एंटीबॉडी बनाएगी नहीं, लेकिन किसके लिए बनाएगी? बी के लिए। ठीक है, तो बी एंटीजन के लिए एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगी, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो यहाँ पे ये था ए एंटीजन बी एंटीजन के अलावा, ऑल्सो नोटिस द करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडीज और अग्लुटिनिन इन द सीरम, दैट इज ए एंड बी। तो यहाँ पे ए एंटीजन जिसके ब्लड में होता है वहां पे बी एंटीबॉडी होती है, और जिसके ब्लड में बी एंटीजन होता है वहां ए एंटीबॉडी होती है। इसका बेटर आइडिया हमको लगेगा हम जब डायग्राम आगे देखेंगे, दैट इज चार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस ये जो यहाँ पे टेबल दिया गया है इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं अभी। ओके, थोड़ा और ओके। सो यू कैन सी दिस टेबल ऑफ ए बी ओ ब्लड ग्रुप। ठीक है, इसको थोड़ा मेले मैं क्लियर कर देता हूं, जो भी पहले की कारीगरी है। सो अगर हम बोलते हैं कि ए ब्लड ग्रुप बी ब्लड ग्रुप अगर कोई है तो किस तरीके से होंगे, ये हमने जीनोटाइप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इन द चैप्टर इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो कौन से अलील रिस्पॉन्सिबल होते हैं? आई ए या IA IO। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो अगर ए ब्लड ग्रुप है तो हमने बोला आरबीसी पे, ये जो आरबीसी है आरबीसी पे एंटीजन कौन सा होना चाहिए? ए एंटीजन होना चाहिए। ठीक है, तो वही बात है कि ए एंटीजन है तो ए ब्लड ग्रुप है। अगर एंटीजन ए है तो प्लाज्मा में, हमारे जो ब्लड में प्लाज्मा होता है वहां पे एंटीबॉडी होगी बी। ठीक है, इसके अलावा ये ब्लड ग्रुप, ये जो पर्सन है, ये ब्लड कहाँ कहाँ डोनेट कर सकता है और कहाँ कहाँ से रिसीव कर सकता है? तो सिंपल बात है, अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो वो ए वाले को ब्लड ग्रुप दे सकता है। ठीक है, और ए बी है तो ए बी वाले को भी ब्लड ग्रुप दे सकता है। रिसीवर होता है, यूनिवर्सल रिसीवर, यानी ये किसी से भी ब्लड ग्रुप ले सकता है, ए से भी, बी से भी, ओ से भी और ए बी से भी। ठीक है, तो ये ए को देगा ब्लड ग्रुप, अपना ब्लड डोनेट कर सकता है ए को और ए बी को, रिसीव कर सकता है ए से और ओ से, क्योंकि ओ जो है यूनिवर्सल डोनर है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर किसी का ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन हमें पता है, दैट इज अलील कौन से होंगे यहाँ पे? पहले तो IB IB या IB IO। IB IB क्योंकि दोनों डोमिनेंट है, तो IB IB यानी बी ब्लड ग्रुप एक्सप्रेस करेंगे। IB IO में भी देखो IB डोमिनेंट है और रिसेसिव है। ठीक है, तो डोमिनेंट एक्सप्रेस होता है यानी बी ब्लड ग्रुप एक्सप्रेस होगा। ठीक है, एंटीजन कौन सा होगा आरबीसी पे? आरबीसी में एंटीजन कौन सा होगा? बी। बड़ा सिंपल सा बात है, जो ब्लड ग्रुप है वो एंटीजन होगा। एंटीबॉडी कौन सी होगी? फिर ए के लिए एंटीबॉडी होगी। ठीक है, एंटीबॉडी बी के लिए हमारी बॉडी प्रोड्यूस नहीं करेगी, फिर ए के लिए एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, ऐसे में फिर हम बात करते हैं यहाँ पे बी और ए बी टाइप का ब्लड ग्रुप ये डोनेट कर सकता है, मतलब इन दोनों को ये ब्लड अपना डोनेट कर सकता है, बी को और ए बी को। ठीक है, बी और ओ से ये ब्लड रिसीव कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा ए बी जो यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, यूनिवर्सल रिसीवर है, ये ब्लड ग्रुप सबसे एक्सेप्ट कर सकता है, रिसीव कर सकता है। तो इसमें IA IB जो अलील है वो एक्सप्रेस होते हैं, IB भी डोमिनेंट है, IAB डोमिनेंट है, तो ये कोडोमिनेंस शो करते हैं। ठीक है, ये कोडोमिनेंस का फिनोमिना शो करते हैं, कोडोमिनेंस का फिनोमिना शो करते हैं। ठीक है, IA और IB दोनों ही एंटीजन यहाँ पे होते हैं। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है तो यहाँ पे ए एंटीजन भी होंगे और यहाँ पे बी एंटीजन भी होंगे, एंटीबॉडी यहाँ पे कोई नहीं होगी। ठीक है, ये किसको ब्लड डोनेट कर सकते हैं? तो ये ए बी को डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, रिसीव सबसे कर सकते हैं, रिसीव भाई ए से भी कर सकते हैं, बी से भी कर सकते हैं, ए बी से भी कर सकते हैं, ओ से भी कर सकते हैं, इसलिए ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर होते हैं। ठीक है, अगर किसी का ब्लड ग्रुप ओ है तो यहाँ पे अलील IO IO दोनों रेसेसिव अलील होंगे, तभी यहाँ पे रेसेसिव ब्लड ग्रुप एक्सप्रेस होगा। एंटीजन यहाँ पे कोई नहीं होगा,
आरबीसी पे खाली एंटीजन, कोई एंटीजन नहीं होगा, एंटीबॉडी यहाँ पे दोनों होगी, ए एंटीबॉडी और बी एंटीबॉडी, ठीक है। और साथ ही में क्योंकि एंटीजन कोई नहीं है तो कोई भी नया एंटीजन आता है तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनेगी, दैट इज ए और बी, ठीक है। इसके अलावा ये सभी को डोनेट कर सकता है, ब्लड ए को, बी को, ए बी को, ओ को, क्योंकि इसके पास कोई एंटीजन ही नहीं है। देखो ना, यहाँ पे कोई एंटीजन नहीं है तो ये किसी को भी ब्लड डोनेट कर सकता है, किसी के बॉडी में एंटीबॉडी बनने की संभावना ही नहीं है, ठीक है। एंटीजन होगा तो एंटीबॉडी बनेगी ना, एंटीजन ही नहीं है इसके पास, तो यहाँ पे ये किसी को भी डोनेट कर सकता है। और रिसीव सिर्फ ओ से करेगा भाई, ठीक है, रिसीव सिर्फ ओ से करेगा, ठीक है। तो ये हमारे चार टाइप का ब्लड ग्रुप था, ए बी, ए बी और ओ, ये डिस्कवर किया था लैंडस्टीनर ने, ठीक है, और साथ ही में डी कैस्टेलो ने ए बी को डिस्कवर किया था, ठीक है, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद हम आगे बात करते हैं आरएच फैक्टर के बारे में। आरएच फैक्टर जो है वो अगेन यहाँ पे कॉम्प्लेक्स ब्लड ग्रुप में हम देखते हैं कि ब्लड ग्रुप को डिफाइन करने के लिए आरएच एंटीजन को भी यहाँ पे ये किया जाता है, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम आरएच फैक्टर की बात करें, आरएच फैक्टर की बात करें तो ये भी एक एंटीजेनिक प्रोटीन होता है जो कि आरबीसी पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। देखो ये एक एंटीजेनिक प्रोटीन है जो कि सेल सरफेस पे आरबीसी के प्रेजेंट होता है, ठीक है, इन ह्यूमन बीइंग्स। इसके अलावा इसको सबसे पहले डिस्कवर किया गया था रीसस मंकी में इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था अगेन लैंडस्टीनर एंड वीनर ने। तो लैंडस्टीनर और वीनर नाम के जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने रीसस मंकी में, देखो ए बी ओ तीन ब्लड ग्रुप तो इसने ढूंढे लैंडस्टीनर ने, उसके बाद भी इसको चैन नहीं आया, उसके बाद उसने रीसस मंकी पे डिस्कवर किया दैट इज आरएच एंटीजन, ठीक है। इसी वजह से इसको आरएच नाम दिया गया, रीसस मंकी का सबसे स्टार्टिंग का जो वर्ड है देखो आरएच है, इसलिए इसको रीसस मंकी पे सबसे पहले डिस्कवर किया गया था। रीसस मंकी का ब्लड निकाला गया और उस ब्लड पे ये नए टाइप के एंटीजन को डिस्कवर किया गया, तो आरएच एंटीजन बोला गया, ठीक है। अगर ये आरएच एंटीजन प्रेजेंट होता है तो उसको पॉजिटिव बोला जाता है, ठीक है। अगर आरएच पर्सन इज हैविंग आरएच फैक्टर या डी एंटीजन भी बोलते हैं इसको, आरएच फैक्टर या डी एंटीजन अगर होता है तो उस पर्सन को आरएच पॉजिटिव बोला जाता है। जैसे मेरा ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, तो ए पॉजिटिव है इसका मतलब ए एंटीजन है मेरे रेड ब्लड सेल पे, और दूसरा एंटीजन कौन सा है, आरएच एंटीजन यानी डी एंटीजन है। चलो मैं अपना आरबीसी ड्रॉ करके बताता हूँ, ये मेरा आरबीसी है, इस पे एक तो ए एंटीजन है और दूसरा यहाँ पे आरएच एंटीजन है यानी डी एंटीजन है, ठीक है। तो इस वजह से मेरा ब्लड ग्रुप ए हुआ और आरएच एंटीजन होने के कारण ए पॉजिटिव हुआ, ए पॉजिटिव। अब तुम्हारा ब्लड ग्रुप अगर बी पॉजिटिव है तो बी एंटीजन होगा, आरएच एंटीजन होगा। अगर बी नेगेटिव है तो बी ब्लड ग्रुप में बी एंटीजन होगा और आरएच एंटीजन नहीं होगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर किसी का ब्लड ग्रुप हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे बी नेगेटिव है या ओ नेगेटिव है, ओ नेगेटिव काफी सुना है मैंने, ठीक है, तो यहाँ पे ये बड़ी सिंपल सी बात है, अगर ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप है तो एक भी एंटीजन नहीं रहेगा, ठीक है, और आरएच एंटीजन भी नहीं रहेगा। ओ पॉजिटिव रहेगा तो ओ पॉजिटिव में क्या होगा, यहाँ पे आरएच एंटीजन रहेगा, ए बी तो नहीं रहेंगे लेकिन आरएच एंटीजन जरूर रहेगा, तो ये ओ पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। बी पॉजिटिव के लिए हमने क्या बोला, बी पॉजिटिव के लिए भी ऐसे ही सिंपल ट्रिक्स होती है। तो ये हो गया सिंपल सी बात है कि अगर डी एंटीजन यानी आरएच एंटीजन होता है तो पॉजिटिव होता है, आरएच एंटीजन एब्सेंट होता है तो नेगेटिव होता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब इसके अलावा इसमें एक डिजीज हमको पढ़ना है, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं दैट इज हीमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यू बॉर्न, ठीक है। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस इट इज अ हीमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यू बॉर्न, HDN, इट इज कॉल्ड एज इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। ये क्या होता है, अगर मदर आरएच नेगेटिव है, मदर का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है और मदर के बॉडी में जो फिटस ग्रो हो रहा है, प्रेगनेंसी के कंडीशन में जो फिटस ग्रो हो रहा है अगर वो पॉजिटिव है, ठीक है, देखो इट ऑकर्स वेन आरएच नेगेटिव मदर कंसीव्स आरएच पॉजिटिव फिटस। तो मदर की बॉडी का ब्लड ग्रुप तो आरएच नेगेटिव है और फिटस का ब्लड ग्रुप आरएच पॉजिटिव है, तो ऐसे में होगा क्या, ठीक है, तो फीटस का ब्लड डिफ्यूज करेगा मदर की बॉडी में, मतलब गलती से फीटस का पॉजिटिव ब्लड मदर के बॉडी में आ जाता है तो मदर की बॉडी एंटीबॉडी बनाएगी और एंटीबॉडी बनाएगी तो ये एंटीबॉडी आगे जाके फीटस को भी किल कर सकती है, ठीक है। देखो आगे, द आरएच पॉजिटिव आरबीसी फ्रॉम द फीटस मे एंटर द मदर सर्कुलेटरी सिस्टम। देखो तो ये आरएच पॉजिटिव आरबीसी जो है, आरएच पॉजिटिव आरबीसी फीटस के मदर के सर्कुलेटरी सिस्टम में जाएंगे, ठीक है, और उसके वजह से यहाँ पे इट कॉजिंग हर टू प्रोड्यूस एंटी आरएच एंटीबॉडी। तो मदर की बॉडी अब एंटी आरएच एंटीबॉडी बनाएगी, एज अ रिजल्ट सब्सिक्वेंट आरएच पॉजिटिव फीटस विल बी एक्सपोज टू द एंटी आरएच एंटीबॉडी। तो फीटस एक्सपोज हो जाएगा अभी आरएच पॉजिटिव आरएच एंटीबॉडीज के लिए, ठीक है, इट प्रोड्यूस बाय मदर विच रिजल्ट इन द हीमोलिटिक न्यूबॉर्न डिजीज, ठीक है। इसके अलावा
इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एच डी एन आर एच नेगेटिव मदर इज इंजेक्टेड विथ एंटी आर एच एंटीबॉडी ड्यूरिंग ऑल प्रेगनेंसी कैरिंग आर एच पॉजिटिव फिटस। तो ऐसे में मदर का इम्यून रिस्पॉन्स को सप्रेस किया जाता है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको डायग्रामेटिकली समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बोल रहे हैं कि ये मदर है, ठीक है, मदर की बॉडी है, ये मदर की बॉडी यूटेरस है, ठीक है, इसमें फिटस ग्रो हो रहा है, ये फिटस है, ठीक है, ये फिटस है, डायग्राम को इग्नोर कीजिएगा, ये फिटस है। और फिटस का ब्लड अगर यहाँ पे प्लासेंटा से होते हुए मदर के बॉडी में चले जाता है, दैट इज पॉजिटिव, और मदर की बॉडी तो नेगेटिव है भाई, मदर की बॉडी पहले से क्या है, नेगेटिव। तो मदर के बॉडी में कभी आर एच एंटीजन था ही नहीं जिंदगी में, उसने कभी देखा ही नहीं, लेकिन फिटस के रेड ब्लड सेल घुस गए मदर के बॉडी में, रेड ब्लड के साथ आर एच पॉजिटिव एंटीजन भी घुस गया, यानी आर एच एंटीजन भी घुस गया। एंटीजन के अगेंस्ट मदर की बॉडी क्या बनाएगी, एंटीबॉडी, तो यहाँ पे बनेगी एंटीबॉडी, और ये एंटीबॉडी ये रेड ब्लड सेल को तो किल करेगी ही, साथ में आगे फीटस को भी किल करेगी, तो फीटस की डेथ होने के हाई चांसेस होते हैं, ठीक है। तो पहली प्रेगनेंसी तो सर्वाइव कर जाती है कभी कभी, लेकिन सेकेंड प्रेगनेंसी में बहुत कॉम्प्लिकेशन आते हैं, मदर की हेल्थ को, फीटस की हेल्थ को बहुत खतरा होता है। तो ऐसे कंडीशन में मदर को इम्यूनो सप्रेसेंट दिए जाते हैं, यानी उसका इम्यून सिस्टम को स्टॉप किया जाता है, एंटीबॉडी प्रोडक्शन को कम किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस इज अ डिसीज, ठीक है, हीमोलिटिक न्यूबॉर्न डिसीज, जो कि मदर के बॉडी में देखने को मिलता है बिकॉज ऑफ द आर एच एंटीबॉडीज, ठीक है, आर एच एंटीजन एंटीबॉडी की वजह से ये होता है। आई होप आपको ये जो वीडियो लेक्चर है ये समझ में आ चुका होगा, जिसमें हमने ब्लड एंटीजन्स के बारे में बात की, ह्यूमन ब्लड ग्रुप के बारे में बात की, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये वीडियो लेक्चर जो है खत्म होता है। आई होप पूरा वीडियो लेक्चर समझ में आया है। अगर फिर भी कोई दिक्कत, डाउट, क्वेरीज, डिफिकल्टी कुछ भी है तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, जरूर मैं आपके कमेंट्स के आंसर जरूर करूंगा। जो लोग मुझे क्वेश्चन पूछते हैं उनको पता है कि मैं आंसर जरूर करता हूँ, ठीक है। ऐसे ही हमारे वीडियोज के साथ बने रहिए, चैनल के साथ बने रहिए, सपोर्ट करते रहिए, जिंदगी के मजे लेते रहिए, खुश रहिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। थोड़े वीडियोज इररेगुलरली आ रहे हैं बिकॉज मैं थोड़ा बिजी चल रहा हूँ लाइफ में, तो थोड़ा सा आप भी अंडरस्टैंड कीजिए। मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपसे ज़्यादा से ज़्यादा मैटर शेयर कर सकूँ, लेकिन ठीक है, अगर नहीं भी होता है तो आप अपनी पढ़ाई मत रोकिए, और भी बहुत सारे सोर्सेस है पढ़ने के, बुक्स है, तो उससे भी पढ़ाई कीजिए। बाकी मैं तो हूँ ही, जितना मैं दे पा रहा हूँ उतना मैं देने का पूरा पूरा प्रयास करूँगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।